कुछ दिन पहले एक वीडियो डीप वर्क के बारे में उस पर एक डीएम आया शुभांगी का शुभांगी ने पूछा भैया आप बुक्स पढ़ते हो मैं कोशिश की डीप वर्क पढ़ने की बट मैं किताब पढ़ नहीं पाती मैं किताब पढ़ने की हैबिट बन नहीं पाती देखो अपने लाइफ में बचपन से मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं तो मेरे लिए काफी नेचुरल है किताब पढ़ना लेकिन इस बार मैंने सोचा कि आखिर बच्चे किताब पढ़ने की हैबिट बुक रीडिंग हैबिट क्यों नहीं कर पाते और शुभांगी से बातचीत के दौरान एक सेवन स्टेप फ्रेमवर्क बनाया जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा तो मैं शुभांगी से पूछा कि शुभांगी कौन सी किताब पढ़ने की कोशिश की तुमने तो उसने कहा भैया डीप वर्क पढ़ने शुरू की मतलब डीप वर्क तो थोड़ी डेंस बुक है थोड़ी कंडेंस्ड बुक है यही पे तुमने गलती की पहली चीज तुम्हें क्या पढ़नी चाहिए पहली चीज तुम्हें पढ़नी चाहिए न्यूज रोज दस मिनट पंद्रह मिनट आधा घंटा न्यूज पेपर अब न्यूज पेपर तो कोई पढ़ता नहीं है तो ऑनलाइन न्यूज ही सही पढ़ने का ट्राई करो अगर ऑफलाइन न्यूज पेपर मिले तो और भी बेहतर होता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कम होते हैं उसमें छोटे छोड़ छोटे न्यूज आइटम्स पढ़ना शुरू करोगे तो रीडिंग की हैबिट बननी लगेगी तो अगर शुभांगी की जर्नी मानते हैं तो न्यूज जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद उसको थोड़ी सी आदत हो गई उसके बाद उसने मैगजीन पढ़ना शुरू किया मैगजीन भी कैसे मैगजीन वैसे पढ़ो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है अगर तुम्हें इंटरेस्ट कार में है तो कार की मैगजीन पढ़ो अगर अगर बिजनेस में है तो बिजनेस की मैगजीन पढ़ो तो मैगजीन्स वो पढ़ो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो मैगजीन में क्या होता है थोड़े डेंस होते हैं पीसेस थोड़े लंबे होते हैं आपकी आदत थोड़ी और अच्छी बन जाती है क्योंकि इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी है उसमें जब पतली सी मैगजीन में से कुछ कुछ चीजें पढ़ने की आदत पड़ जाए तो एक मोटी सी किताब उठाओ पर इस बार मोटी किताब शॉर्ट स्टोरी फिक्शन की किताब उठाओ स्टोरीज अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग होती है छोटी कहानियां जल्दी खत्म होती हैं तो आपका वेट टाइम कम रहता है और जब आप छोटी छोटी कहानियों की किताब पढ़ जाते हो तो आपको फीलिंग आती है अरे इतनी मोटी बुक मैंने पढ़ ली देखो हमारे पेरेंट्स और बाकी लोगों ने सो कि बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी हूँ लेकिन रामचरित मानस महाभारत सब ने पढ़ी क्यों क्योंकि छोटी छोटी कहानियों की एक बड़ी किताब है तो सब पढ़ जाते हैं कभी यहाँ बैठकर कभी वहां बैठकर कर अपने स्कूल टाइम में भी हमने कितनी सारी हिंदी की किताबें पढ़ी इंग्लिश की किताबें पढ़ी हैं जिसमें छोटी छोटी कहानियां होती हैं और हम एक एक चैप्टर एक एक लेसन पढ़ जाते थे बिना टेंशन लिए तो बुक पढ़ने की आदत तो हमें है ही बस हम उसको थोड़े ज्यादा टाइम में पढ़ा करते थे पहले अभी भी वही करो दो तीन महीने में एक छोटी स्टोरी फिक्शन की बुक कंप्लीट करो जैसे ही छोटी स्टोरी बुक मतलब मिनी स्टोरीज की एक बुक खत्म हो एक लॉन्ग स्टोरी की फिक्शन बुक लो और उसको कंप्लीट करो अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी से बोलूंगा कि अगर तुम्हें बुक पसंद नहीं आ रही है अगर तुम्हें कहानी पसंद नहीं आ रही है तो उसे छोड़ दो उसको पुश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर तुम उसमें पुश करोगे फिर तुम्हारा मन नहीं बनेगा फिर तुम्हें लगेगा क्या कि किताब पढ़ना कितना बड़ा काम है मेरे से होता ही नहीं है क्योंकि किताब पढ़ना बड़ा काम नहीं होता अगर इंटरेस्ट आ जाती है तो मोटी मोटी किताबें भी ऐसी ख़त्म हो जाती है मुझे नहीं पता तुम लोगों के बारे में बट हमारे मामा चाचा पापा ये लोग कितने सारे इतनी मोटी मोटी उपन्यास पढ़ जाते थे एक एक रात में क्योंकि उपन्यास नावल कहते हैं जिसको नावल में इतना इंटरेस्ट आता था हम लोग भी बचपन में फेमस फाइव और क्या क्या नॉवेल्स पढ़े हैं तो अब आपको इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होगा लंबी पढ़ने की आदत हो गई है तुम्हें शुभांगी अब थोड़ा सीरियस करते हैं इसको सीरियस का पहला स्टेप है बायोग्राफी पढ़ना तुम किसकी फ़ैन हो तो भैया सचिन तेंदुलकर की बहुत अच्छी बात है अगर तेंदुलकर की फैन हो तो तेंदुलकर की बायोग्राफी पढ़ लो जरूरी नहीं कि लॉन मस्क स्टीव जॉब्स माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ महात्मा गांधी यही सब पढ़ो जो मोस्ट रेड बायोग्राफी है तुम्हें जो भी इंसान पसंद है उसकी बायोग्राफी पढ़ो मोस्ट रीड बायोग्राफीज पढ़ने की जरूरत नहीं है मोस्ट रीड बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको जहां इंटरेस्ट आ रहा है पहले आपको वो पढ़ने की जरूरत है तो आपने तेंदुलकर की बायोग्राफी पढ़ ली आपको क्या फायदा हुआ अब आप एक एक्चुअल स्टोरी को स्टार्ट टू एंड फॉलो कर पा रहे हो और बायोग्राफी के साथ सबसे अच्छी ये चीज होती है कि बायोग्राफी में काफी लर्निंग होती है कि वो इंसान क्या फेस किया उसने क्या क्या प्रॉब्लम देखे उसके सोल्यूशन कैसे आए उसके मेंटल मॉडल्स क्या है वो कैसे सोचता है तो काफी लर्निंग हो जाती है बायोग्राफी में इसलिए मैं तो अपने खाली टाइम में आजकल काफी बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ मैंने स्टीव जॉब्स पढ़ा टोनी फडेल पढ़ा अब इन मस्क पढ़ रहा हूँ तो मुझे हमेशा शादा था कि जब भी मैं किसी नए एरिया में घुसता हूं तो मैं उस एरिया में कुछ बायोग्राफी जरूर पढ़ लेता हूँ तो अभी मैं ये बायोग्राफीज पढ़ रहा हूँ काफी इंटरेस्टिंग होती है ईज़ी रीड्स होती है। आपको अपने आपको पुश नहीं करना पड़ता रात में सोने के पहले आधा घंटा एक घंटा आप यूं ही पढ़ लेते हो जब बायोग्राफी पढ़ने की आदत हो जाए तब ही आपको सेल्फ हेल्प बुक्स पे जाना चाहिए और क्योंकि उसमें एक इंटरनल मोटिवेशन आता है जब आप बायोग्राफी पढ़ते हो आपको लगता है यार इस इंसान ने तो काफी कुछ अच्छा किया अपने लाइफ में काफी फोड़ा है मुझे भी करना चाहिए तब जब आपको सेल्फ हेल्प बुक उठाते हो आपको उसको पढ़ने में मजा आता है आपको लगता है कि अरे मैं भी कुछ बहुत बढ़िया करना चाहता हूं लाइफ में उसके पहले सोचो अगर इतने सारे स्टेप्स के पहले आप सीधे सीधे डीप वर्क पे जंप कर जाओगे आपको रीडिंग हैबिट नहीं है आपको बहुत सर दर्द लगेगी वो किताब तो सीधे से जम्प करने की जरूरत नहीं है और लास्ट स्टेप जब सेल्फ हेल्प बुक्स आपको अच्छी लगने लगी जैसे डीप वर्क ये सब किताबें आपको अच्छी लगने लगे तो फिर रिसर्च और ड्राई बुक्स पे जाइए जैसे एच है इन तरह की किताबों में तो बिल्कुल कोई स्टोरी टेलिंग जैसी कोई चीज नहीं होती बिल्कुल काम की चीज होती है और ये पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस अटेंशन और एक हैबिट की जरूरत पड़ती है पर आप यहाँ पहुंच सकते हैं अगर आपने ये जर्नी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन करके फॉलो किया रीडिंग हैबिट के डेवलपमेंट को एक वीडियो गेम की तरह सोचो एक एक लेवल क्वालिफाई करो और फाइनल बॉस पे भी जीत पाओ ऐसा करते हैं शुभांगी की तरह तुम्हें भी ये बात पसंद आई हो तो अब की बार पढ़ना शुरू कर यार पर उसके पहले सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो जो फ्रेंड्स किताब नहीं पढ़ रहे हैं उनके साथ भी शेयर कर दो और कमेंट में मुझे बताते जाओ कि तुम अभी कौन सी मैगजीन कौन सा बुक या कौन सी बायोग्राफी पढ़ने वाले हो